बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट आज जो क्वेश्चन हमने इम्प्लीमेंट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये भी ओप का क्वेश्चन है जो कि सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किया है हमने। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है जिसकी फील्ड होंगी कार मेक और प्राइस, और फिर गेट और सेट का मेथड होगा। इन फील्ड्स के लिए सेट प्राइस मेथड जो आपने रखना है एक, मतलब इसके अलावा सेट प्राइस का मेथड भी होगा जो कि अब्स्ट्रैक्ट होगा, और फिर दो सब क्लासेस आपने बनानी है जो कि ऑटोमोबाइल मेकर्स के नाम से होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप मेहरान के नाम से एक ले लें, एक टोयोटा के नाम से, या एक्स वाई जी किसी के नाम से भी, तो सब क्लासेस आप बना सकते हैं जिसमें एक सेट प्राइस का मेथड होगा। यानी ये जो सेट प्राइस का मेथड अब्स्ट्रैक्ट होगा, अब ये इसकी चाइल्ड क्लासेस दो बनेंगी सब क्लासेस, तो लाजमी बात है इनको भी इन या तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या ये दोनों भी अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बन जाएंगी। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें वो कहता है कि आप इनकी जो प्राइस है फॉर एग्जांपल इस तरह रख सकते हैं, चाहे वो आप ये वाली प्राइस डायरेक्ट असाइन कर दें या आप एज आ पैरामीटर इसको पास कर दें या आप यूजर्स से ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। फाइनली राइट एन एप्लीकेशन दैट यूज ऑटो क्लास एंड सब क्लासेस टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कार्स। तो फिर इन डिफरेंट कार्स की, यानी कि डिफरेंट कार्स जो कि हम दो ही सब क्लासेस लेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट हमने जो इस किया है वो इस तरह कुछ किया है कि हमने ऑटो के नाम से एक क्लास ली जिसके अंदर उसने कहा था कि कार मेक, दरअसल ये कार मेक का आप कह सकते हैं कि कंपनी नेम आएगा, और इसी तरह एक हमने प्राइस का ले लिया जिसके अंदर प्राइस को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट था कि हमने इसके अंदर क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर बना लिया उसने में से, सॉरी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि सेट का मेथड बनाया। कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ना भी बनाना चाहें तो, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर केवल नहीं है तो आप नहीं भी बना सकते। अगर बनाना हो तो हम सिंपली ऑटो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, सॉरी एम्प्टी, और इसी तरह प्राइस के अंदर भी मैं ज़ीरो इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो आप कंस्ट्रक्टर लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी। उसके बाद सेट और गेट, ये दो मेथड कहे गए थे लिखने को, दोबारा देख लेते हैं। गेट एंड सेट मेथड, तो एक सेट मेथड हमने बनाया और एक गेट मेथड बनाया। तो सेट मेथड के अंदर जस्ट हमने प्राइस को नहीं रखा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो जो प्राइस सेट हो रही है वो हर एक जो उसकी सब क्लासेस हैं उनके लिए डिफरेंट होंगी प्राइसेस, तो इसलिए हमने प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे नहीं इनिशियलाइज की। प्राइसेस को हमने सेट नहीं करवाया बल्कि हमने जस्ट कार मेक जो कंपनी होगी उसको सेट करवाया, और इसी तरह गेट के अंदर हमने दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कार मेक और प्राइस की। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर सेट प्राइस का जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट बनाना था, जो कि हमने यहाँ पे पेयर वर्चुअल मेथड बना दिया। तो पेयर वर्चुअल मेथड से ये एक किस्म का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया, यानी इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं है। फिर इसी तरह हमने एक क्लास मेहरान बनाई और दूसरी क्लास टोयोटा बनाई, और उसके अंदर हमने सिंपली कुछ है और एक्स्ट्रा नहीं लिया, बस सेट प्राइस मेथड को क्या किया हमने दोबारा, यानी उसको प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिखी उसकी बॉडी के साथ, उसको डिक्लेयर किया दोबारा, और उसके अंदर हमने प्राइस को वैल्यूज़ दे दी। आप लेना चाहें तो इसको पैरामीटर एज अ पैरामीटर भी ले सकते हैं या यूज़र से भी ले सकते हैं, फिर आपको यहाँ भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। और ये हमने दोनों क्लासेस यानी चाइल्ड क्लासेस बनाई थी, तो दोनों क्लासेस के अंदर हमने ये सेट प्राइस का मेथड लिख लिया। फिर हमने सिंपली इसको क्या किया कि हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की, यानी इम्प्लीमेंट किया है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने क्या किया है कि इस ऑटो क्लास का हमने जो लिया है ऑब्जेक्ट, उसको डिफरेंट बिहेव करवाना था, तो हमने उसको पॉइंटर टाइप ले लिया,
और फिर उसके अंदर एक बार हमने M1 की इंफॉर्मेशन को रखा और एक बार T1 की। तो A1 और सेट मेहरान एक बार करवाया और फिर सेट प्राइस करवा दी और फिर उसके बाद उसकी गेट मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की। अब देखें इसके अंदर मेहरान, ये जो M1 ऑब्जेक्ट है आपको ऊपर देखें तो ये मेहरान का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने A1 को दिया तो ये A1 एज अ मेहरान यानी क्या करेगा, ये एज अ मेहरान ट्रीट करेगा A1 जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब देखें ये जब सेट मेथड करेगा तो यहाँ पे सेट मेथड ये पेरेंट क्लास का मेथड है जो कि कॉल होगा और मेहरान वहाँ पे सेट हो जाएगा। अब ये सेट प्राइस का जो मेथड है ये कौन सा मेथड कॉल होगा, ये मेथड जो मेहरान क्लास के अंदर लिखा हुआ ये मेथड है ये कॉल होगा और ये 6 लाख इसको क्या कर देगा, प्राइस को साइन कर देगा। फिर A1 का जो है आपको पता है कि पॉइंटर टाइप जब भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो भी हमने क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना होता है। इसी तरह गेट मेथड जो है ये भी पेरेंट क्लास वाला एक्सेस होगा और कार की ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। फिर सेम हमने यही रिपीट किया है प्रोसीजर किसके लिए, ट्विटर के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसको अगर आप ट्राई रन करके रन करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रिजल्ट इसी तरह मिल रहे हैं। आप देखें पहली बार मेहरान हमने सेट किया और सेट प्राइस जो है वो कॉल फंक्शन किया है A1 के साथ, तो क्योंकि उसके पास मेहरान क्लास वाला ऑब्जेक्ट था तो उसने सेट प्राइस कौन सा मेथड कॉल किया जो मेहरान क्लास के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम उसने क्योंकि T1 टोयोटा क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसने सेट प्राइस मेथड किसका कॉल किया, टोयोटा का कॉल किया, तो यहाँ पे प्राइस वगैरह सेट हो गई। तो इस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो आपका ऊप रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।